कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको ये महसूस हुआ हो कि अब आप चीजों को याद नहीं रख पा रहे, या जो आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो आप भूल जाते हैं? अगर ऐसा है, आज ये वीडियो उसी संदर्भ में है और आपकी समस्या का समाधान करता है। काफी सारे ऐसे विद्यार्थियों से मैं मिला हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम देते हैं। वो कहते हैं, सर हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है, हम पहले याद कर लेते थे लेकिन अब चीजें हमें याद नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये सच भी है या सिर्फ ये आपकी एक गलतफहमी है, एक तरह से मिसकंसेप्शन है? तो आइए देखते हैं इस वीडियो। आप गौर कीजिए और याद कीजिए कि जब आप अखबार पढ़ते हैं या कोई कहानी की किताब पढ़ते हैं जिसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता, तो क्या आप उसे रटते हैं? नहीं, आप सिर्फ उसे एक बार पढ़ते हैं और वो चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है, आपको याद रहता है। अगर आपने सुबह 9 बजे अखबार पढ़ा है और दोपहर में मैं आपसे पूछता हूं कि आज क्या बड़ी घटना घटी है जयपुर में, तो आप तुरंत बता देंगे ऐसा 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 हुआ। क्या इससे ये चीज साफ नहीं होती कि हमारी याददाश्त तेज होती है, दिमाग में स्टोर करने की क्षमता है और हम हर चीज को याद रख पा रहे हैं? लेकिन वहीं आप जब पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे या ऐसी चीज को पढ़ेंगे जिसका संबंध आपकी परीक्षा से, तो उस दौरान आपको वो चीजें दिमाग में स्थायी तौर पर याद नहीं रहेगी। वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? आप जनरली अखबार पढ़ रहे हैं और चीजें आपके दिमाग में स्टोर है, लेकिन जब आप परीक्षा की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो चीजें दिमाग में स्टोर नहीं। आखिर क्यों, आइए हम इसको समझते हैं। इंसान का दिमाग एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर की रचना उसने की है, इसकी क्षमता असीमित है। लेकिन दिमाग के भी कुछ हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन और दूसरा होता है सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है ये आपकी फोन मेमोरी की तरह है, जिसकी एक सीमा है, जैसे 50 सूचना, 5000 सूचना, 500 सूचना, 10000 सूचना। लेकिन जो सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मृत्यु के निकट होते हैं और बाद में रिकवर हो जाते हैं, तो वो बताते हैं कि जब वो बिल्कुल मौत के करीब थे उस समय उनका पूरा जीवन उनके सामने आ चुका था। मतलब ये हुआ कि एक बार अगर आपने कोई सूचना ली है, देखी है, पढ़ी है, सुनी है, वो आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर रहेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उस सूचना को रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं मतलब आपकी याददाश्त अच्छी, और अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे मतलब आपकी याददाश्त अच्छी नहीं। तो आइए हम इस चीज को समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आप कोई मूवी देखते हैं या आप कोई गाना सुनते हैं या दोस्तों के साथ गॉसिप करते हैं, तो आप रटते नहीं है, आपका ब्रेन बिल्कुल हल्का रहता है। आप बिल्कुल ये वजन दिमाग पर नहीं रखते कि मुझे ये चीज याद करनी है, मुझे ये चीज रटनी है। लेकिन इसके विपरीत जब आप किताब हाथ में लेते हैं तो आप पहले से अपने ब्रेन को एक मैसेज दे देते हैं कि मुझे ये याद करना है, और ऐसे में वो पूर्वाग्रह, वो जो एक्स्ट्रा बर्डन है, वो आपके दिमाग के लेयर के ऊपर काबिज हो जाता है, वहां जम जाता है और वो आपके अटेंशन को भंग कर देता है। दूसरी चीज है स्पैन ऑफ अटेंशन, ध्यान का दायरा। जिस व्यक्ति के ध्यान का दायरा जितना ज्यादा बड़ा होगा वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब। आप जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं आपका ध्यान सिर्फ उस चीज पर होना चाहिए, यानी स्पैन ऑफ अटेंशन जितना मिनिमाइज आप करेंगे उतना बेटर है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक समय में आपको सिर्फ एक ही विषय पढ़ना है तो आपके ध्यान का दायरा छोटा हो गया, आपकी सारी शक्तियां उस एक चीज पर केंद्रित हो जाएगी। लेकिन एक ही समय में आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है, गणित भी पढ़नी है, विज्ञान और सामाजिक भी पढ़नी है, तो आपका स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ गया, और जहां भी स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ेगा वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ये एक सच है। याद कीजिए कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले किसी रिश्तेदार ने आपको कोई ताना मारा हो, आज भी वो आपके दिमाग में स्टोर्ड है। उसकी जैसी तस्वीर सामने आती है या वो इंसान सामने आता है, आपको तुरंत रिकॉल हो जाता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे ये बात कही थी। 10 साल पहले कोई गाना सुना हुआ है और आप उस गाने को की सिर्फ धुन बजती है और आप बता देते हो ये कौन सा गाना है। 5 साल पहले की कोई फिल्म देखी थी आपने, एक रील फिल्म आगे जाती है और आपका दिमाग रिकॉल करके बता देता है कि यहां अब आगे स्टोरी में ये होगा।
मतलब ये हुआ कि ह्यूमन ब्रेन की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो आप प्रगति के पथ पर हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहां आपके लिए समस्या है। बेसिक सवाल यह है कि कुछ लोग इस क्षमता का उपयोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आज हम समझते हैं। देखिए, जब आप छोटे थे आपकी याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी, आप आधे पेज का आंसर भी होता था उसे हूबहू रट लेते थे। उस दौरान यानी जब आपका बचपन था, उस समय बच्चों के अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी जिस तरह आपका सेलफोन किसी भी फोटो को कैप्चर करता है, बिल्कुल उसी तरह से वो चीजों को कैप्चर करती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी जिंदगी में अनुभव जुड़ते जाते हैं, आप बड़े होते जाते हैं, आपकी उम्र बढ़ती है, आपके साथ कई सारे अनुभव कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी जो है वो डिक्रीज होती है, धीरे धीरे कम होती है, लेकिन साथ ही क्रिएटिव मेमोरी जो है वो बढ़ती है। हमारे साथ दिक्कत तब खड़ी होती है जब हम आज भी उसी फोटोग्राफिक मेमोरी को यूज करना चाहते हैं। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ फोटोग्राफिक मेमोरी जो है इसमें कमी होगी, लेकिन दूसरी ओर जो क्रिएटिव मेमोरी है, जो रचनात्मक मेमोरी है आपकी, उसमें वृद्धि होती है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। अब ये क्रिएटिव मेमोरी क्या चीज है? क्रिएटिव मेमोरी का मतलब है याददाश्त का, या मनुष्य के दिमाग की याददाश्त का वो हिस्सा जो विभिन्न सूचनाओं से जुड़कर बनता है और उन सभी सूचनाओं का इस्तेमाल करके खुद एक नई सूचना ड्राफ्ट कर देता है, उसे हम कहते हैं क्रिएटिव मेमोरी। तो हमें यह समझना होगा कि इंसान का दिमाग दरअसल काम कैसे करता है। इसको समअप करते हैं और समझते हैं। नंबर एक, आप दिमाग को बिल्कुल हल्का रखिए। दिमाग को पहले से इस तरह का मैसेज मत दीजिए कि मुझे ये चीज याद करनी ही है, मुझे रटनी ही है। जब भी आप ब्रेन को ये मैसेज देंगे, आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, चाहे आप उस सूचना को 2000 बार पढ़ लेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि सबसे पहले कोई सूचना है वो सबसे पहले हमारे कॉन्शियस ब्रेन में आती है, थोड़े समय तक वहां रुकती है, और अगर उसका उपयोग नहीं हुआ तो उसके बाद में वो वहां से रिमूव हो जाती है और उसके बाद सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन में चली जाती है। ह्यूमन ब्रेन कितना पावरफुल है और किस तरह काम करता है आप एक उदाहरण से समझिए। ऐसा कहा जाता है कि लंदन में एक भिखारी था, वो रोज सुबह उठता, भीख मांगता और इस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन वो एक दुकान के सामने से गुजरा तो उसने देखा एक लंबी कतार लगी हुई। उसको बड़ी उत्सुकता हुई, वो भी वहां पहुंचा और वहां जाने के बाद उसने पूछा ये हो क्या रहा है। तब लोगों ने देखा कि ये एक बेगर है, भिखारी है। उन्होंने कहा तेरे काम की चीज नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन उसने पूछा नहीं ये हो क्या रहा है, तो किसी ने उसे बताया कि ये एक लॉटरी की दुकान है और यहां हम 10 पाउंड के अंदर लॉटरी खरीद रहे हैं। वो भिखारी घर जाता है, बीक में मिले हुए जो पैसे थे उससे जैसे तैसे 10 पाउंड इकट्ठे करके वापस आता है, लॉटरी खरीद लेता है। अब उसका नसीब था कि जो बम्पर प्राइस था, जो 5 लाख पाउंड का था, वो उसी भिखारी को मिलता है। अब कंपनी वाले परेशान, कंपनी वाले ये सोचते हैं कि पूरी जिंदगी इसने गरीबी में गुजारी है, अगर हम इसको बता दें कि आप 5 लाख पाउंड जीत चुके हो तो खुशी से मर जाएगा, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, इसका हार्ट फेल हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे सूचना इस तरह से दी जाए कि सूचना भी मिल जाए और ये मरे भी नहीं। तो उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक की सलाह ली, उस मनोवैज्ञानिक को बुलाया और उन्हें पूरा केस समझाकर कहा कि आपको ये भिखारी को इस तरह सूचना दे दी। मनोवैज्ञानिक भी समझदार थे, उन्होंने कहा मेरी फीस? कंपनी ने कहा आपको आपकी फीस दे दी जाएगी। अब वो मनोवैज्ञानिक या प्रोफेसर साहब, जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, जो भी थे, वो अपने घर जाते हैं। दूसरे दिन बढ़िया कोट वगैरह पहनते हैं, गाड़ी लेते हैं और उस भिखारी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अब वहां जाकर उस भिखारी की झोपड़ी के बाहर वो रुकते हैं और वहां वो भिखारी उनका स्वागत करता है, भीख में मिले हुए कुछ पैसों से चाय लाता है, उनको चाय सर्व करता है। और अब प्रोफेसर साहब बात करते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम इस तरह जिंदगी गुजारते हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे भी बीवी हो, बच्चे हो, एक छोटा परिवार हो? भिखारी अनपढ़ था लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर वो परिपक्व व्यक्ति था, जिंदगी के अनुभव उसकी जिंदगी से जुड़े हुए थे। वो कहता है सर मेरे भी दिल में ऐसी इच्छा बहुत होती है, लेकिन क्या करूं, मैं भिखारी हूं, कौन पिता अपनी पुत्री मुझे देगा। ठीक है, डिस्कशन आगे बढ़ता है। अब वो प्रोफेसर साहब कहते हैं मान लो अगर तुम्हें 500 पाउंड मिल जाए। भिखारी थोड़ी देर सोचता है और कहता है अगर ऐसा होता है तो आधे आपके। प्रोफेसर साहब बात को आगे बढ़ाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और फिर उससे पूछते हैं
अगर आपको 50,000 pound मिल जाए तो? भिखारी कहता है जिस दिन ऐसा हो गया तो मैं आधे आपको दे दूंगा। अब प्रोफेसर साहब थोड़ा संभल के बैठते हैं और अब वो वापस थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हैं और भिखारी से पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए अगर आपको 500,000 pound मिल जाए तो? तो भिखारी उतने ही नॉर्मल अंदाज में जवाब देता है आधे आपके। और ये सुनते ही वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर, वो मनोवैज्ञानिक, उनका हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। ये होता है ह्यूमन ब्रेन और ये होता है मनोविज्ञान। इसलिए याद रखिए, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखिए। चीजों को जब आप देखते हैं तो स्पैन ऑफ अटेंशन यानी ध्यान का दायरा बिल्कुल सीमित रखिए। जिस चीज को आप समझना चाह रहे हैं आपका फोकस बस वहीं रहे। जैसे स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ेगा और आप डिस्टर्ब महसूस होने लग जाएंगे। उम्मीद है ये समस्या, अगर आप इस वीडियो पे फोकस करेंगे तो शायद आपकी ये समस्या सॉल्व हो। और अंत में एक चीज कहना चाहूंगा कि शायद 10,000 में से या 1,00,000 में से एक ही व्यक्ति ऐसा होता होगा जो याददाश्त की कमी नाम की बीमारी का शिकार होगा। बाकी जितने लोग हैं, जहां तक मेरा मानना है, मैं अपने इस 10-12 साल के टीचिंग करियर में मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसकी याददाश्त कमजोर नहीं। ये सिर्फ हमारी गलतफहमी होती है क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका सही नहीं होता, हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ध्यान का दायरा बहुत विस्तृत होता है, चीजों पर फोकस हम नहीं कर पाते। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम ब्रेन को पहले से ही बर्डन दे देते हैं, ये बता देते हैं किताब खोलने से पहले कि ये जो पढ़ रहे हैं ये तुझे याद करना है। और ब्रेन जबरदस्ती कोई काम नहीं करता, उसके काम करने की एक नेचुरल प्रोसेस होती है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अब आप अपने अध्ययन को सुचारू रखने में इस वीडियो की सहायता लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।